मांगलिक हो? हाँ नहीं मांगलिक तो नहीं, थोड़ी मांगलिक हूँ बोल रहे थे मांग मम्मी, थोड़े ज्यादा से कुछ नहीं होता है, मांगलिक थोड़ा हो तो मांगलिक मांगलिक में हो। होता है। ओके पॉलिटिकल करियर, हाँ गिव मी 7 कार्ड्स। ऐसे आपका पॉलिटिकल करियर अभी भी है, आगे भी रहेगा? अभी तो है ना, आपको पॉलिटिक्स का आपको मिला होगा कुछ ना कुछ ऑफर, शनि चल रहा है हाँ आपका। हाँ मैंने इलेक्शन लड़ा था बट मैं हार गई, तो अभी फिर मतलब लाइक उस टाइम पे प्रिपेयर नहीं थी मैं, मुझे पता ही नहीं था, तो अभी स्लोली स्लोली चीजें मैं सीख रही हूँ। देखिए, आपका पॉलिटिक्स में करियर है क्या? टैरो आपका ये 1-1.5 साल के लिए रहेगा, ज्यादा के लिए नहीं रहेगा। लेकिन ये क्या मैं, निकल रहे हैं? अच्छा आपने एक किया है, बहुत सही कार्ड निकाला है। पूछिए क्यों? क्योंकि आपके जो कुंडली का योग है, हाँ केतु के नक्षत्र में जो है, वैसा ही ये कार्ड है। अगर आपको लाइफ में कोई ऐसा बंदा मिला जो आपका हाथ थाम के चले, तो 100% आपका पॉलिटिकल करियर। यू नीड अ हैंड, पापा हैं अभी, पापा बहुत सपोर्ट करते हैं मुझको, यू नीड समबडी इन द पॉलिटिकल फील्ड टू टेक योर हैंड एंड है टेक यू देयर, मतलब गाइड यू। ओके आई एम ओके नॉट सेइंग योर फादर, आई एम सेइंग सम समझ गए। सपोर्ट। पॉलिटिकल सपोर्ट या पॉलिटिकल का हाँ, कुछ वो है, थ्री तो कार्ड्स इसका देखे, मतलब वही है। वही है कि एक गुरु चाहिए हाँ आपको। चाहिए, गुरु ही नहीं है गुरु बट जो आपको कौन वैसा, है यहाँ पे जो मेरा पॉलिटिकल गुरु बन सकते हैं, मैं आपको जल्दी बताऊंगी, एक है बट मैं उनका नाम जल्दी लूंगी आपके सामने। ठीक है। और अभी 3 कार्ड्स निकाल दीजिए। 3 कार्ड निकालना है और पॉलिटिकल करियर बनेगा ये नहीं, गुरु मिलेगा ये नहीं, भगवान मिल जाए ठीक है, और गुस्से वाले हो, पॉलिटिकल में बार बार सक्सेस ऐसे ही आ रहा है, है। गुस्सा दिख रहा है। अभी तो आपका पॉलिटिकल गुरु मिलना मुश्किल है, मिलेगा, साल भर के अंदर मिलेगा, मिलेगा हाँ 100% मिलेगा मिलेगा। तो बस वो वही दिख रहा है कि घर में ही पॉलिटिक्स का एनवायरनमेंट है, और आपको वहीं से ही काफी ग्रोथ मिलेगी। और आप फोकस रहिए, आपका पॉलिटिकल करियर अच्छा है। आपका अभी शादी का योग है, कब है शादी का योग? बस आपका शुरू हो गया है, नहीं बट अप्रैल से लड़का तो होना चाहिए ना। आ जाएगा। मैम, शादी का योग है, आपका जो गुरु है, जो ट्रांजिट गुरु की चल रही है, उससे आपका अगले 1 साल में शादी होने का 100% चांस है, और आपको डेफिनेटली कोई ना कोई लड़का आएगा ही आएगा। कौन है, कहाँ है, अभी तो प्यार भी नहीं है। मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी, प्यार हाँ मत करना, हाँ प्यार मत करना। डायरेक्ट शादी, डायरेक्ट शादी, अरेंज्ड मैरिज, मेरा सपना वो किचन में पकड़ने वाला सपना हो, वो उसका शादी की बात करिएगा, किचन में पकड़ना है ना मैम। क्योंकि आपके आपका जो मैरिज का योग है ना, इतना अच्छा नहीं है, मतलब लव मैरिज का योग इतना अच्छा नहीं अच्छा है। नहीं है। जो आप धोखा धोखा बोल रहे हो ना, हाँ तो तो धोखा मिलता वहीं से है। आता है। तो अरेंज्ड मैरिज करो तो लाइफ सॉर्टेड आउट रहेगी। ओके और इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में कैसा है मेरा करियर? साउथ में अच्छा है, बॉलीवुड में अच्छा है, क्योंकि अभी मैं थोड़ा साउथ की तरफ मूव हो रही हूँ, क्योंकि वहां से मुझे अपॉर्चुनिटी आ रही सो है। गिव मी 5 कार्ड्स नाउ, ध्यान से 5 कार्ड्स के। साउथ में आपका करियर कैसा है? अच्छा फिल्म इंडस्ट्री में आपको आएगी अपॉर्चुनिटी, ऑफ कोर्स आएगी, लेकिन आप शायद ले नहीं पाओगे। आपको साउथ पसंद नहीं है क्या? है ये साउथ मुझे पसंद है। हाँ, आपको वही जो अपॉर्चुनिटी में देख रही थी, वो आपको अप्रैल मई तक आ जाएगी और आप लेंगे। ओके लेकिन आप ये इधर है ना, थोड़े समय तक करोगे, उसके बाद आप वो छोड़ के कहीं और भी जाओगे। मतलब आप अभी फिलहाल, हाँ मुझे साउथ का क्या है थोड़ा बहुत है बट ज्यादातर जो मेरा दिल है वो यहाँ है बॉलीवुड हाँ, वही में। मैंने कहा, दिल नहीं है, दिल लगाओ वहां पे, बहुत पैसा है। हाँ अगर आपका दिल लग गया ना वहां पे, साउथ में तो 3 साल में यू आर मेड इन साउथ। आपका दिल नहीं है, वही दिख रहा है कार्ड्स में। क्या कार्ड्स आए हैं, सब अच्छे हैं, सब कार्ड्स अच्छे हैं, सिर्फ एक ही कार्ड इधर जो खराब आ रहा है, आपका दिल नहीं है। ओके सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर आप अपना दिल, अगर आप जेन्युइनली अपना दिल साउथ में लगाएंगे, तो 3 साल में आप बहुत अच्छा करेंगे साउथ में। ओके और आपको भी अपॉर्चुनिटी आएगी जो सितंबर तक रहेगी, फिर सितंबर से लेके अगले सितंबर तक कुछ नहीं आएगा, यानी कि 24 सितंबर से सितंबर 20 25 तक कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, फिर आएगी, ओके तो वो ब्रेक ब्रेक करते और करते इधर आएगी। बॉलीवुड में बॉलीवुड में देख लेते, तो साउथ इज गुड फॉर यू, पैसा भी आएगा हाँ जो बट हमें, दिल लगाने की बात है ना, दिल वहीं पे अटका हाँ हुआ है, वही तो, वही वो ऐसा। और कभी कभी क्या होता अपॉर्चुनिटी है, आती है चीजें, मैंने लैंग्वेज भी सीखी है। हाँ बॉलीवुड में है आपका, लेकिन ठीक ठीक है, जितना साउथ अच्छा था उतना नहीं है। फोकस साउथ, हाँ मैं तो कार्ड्स बंद कर दिए। बॉलीवुड में इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, ठीक मतलब ठीक किसी की बहन बन जाओगे, किसी की फ्रेंड बन हाँ जाओगे, यही मेन आता लीड है, नहीं है मेन ना। लीड नहीं है। हाँ तो अभी मेरा ये क्वेश्चन है, एक्चुअली तीन लाइक वैसे तो 4 हैं 4 हैं। बट हाँ कन्नड़ा इंडस्ट्री, तमिल इंडस्ट्री, तेलुगु इंडस्ट्री और कन्नड़ा इंडस्ट्री,
कन्नडा, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मलयालम आप कन्नडा को दो बार बोला, अच्छा अच्छा मलयालम, तो ये चार इंडस्ट्री है, तो इन चारों इंडस्ट्री में से सबसे अच्छा करियर मेरा किस स्टेट? एक कार्ड सोच के एक एक इंडस्ट्री के लिए लीजिए, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, एक कार्ड एक इंडस्ट्री के लिए लीजिए और सोच के कि मैं तमिल में करूँ और एक कार्ड निकालिए, कनाडा में करूँ और एक कार्ड निकालिए। ठीक है, पहले तमिल करते हैं क्योंकि तमिल इज माय फेवरेट लाइक स्टेट, चेन्नई पसंद है तमिल इंडस्ट्री में। ठीक है, और दूसरा मलयालम इंडस्ट्री, तीसरा कनाडा इंडस्ट्री, और चौथा सबसे पावरफुल इंडस्ट्री यानी तेलुगु इंडस्ट्री। ओके, तो सबसे अच्छा आपको तीसरा नंबर कन्नड़ा इंडस्ट्री में आपको पहले कोशिश करनी चाहिए, या वहां से आपको आएगा? आ गया है। मुझे जब अभी फिल्म ऑफर हुई है, वो कन्नड़ा का सुपरस्टार है और उसके साथ फिल्म इंडस्ट्री वो हुई है और वो कन्नड़ा इंडस्ट्री है। बस देखो, अब दिस इज द पावर ऑफ टैरो, ये आपको एस्ट्रोलॉजी में नहीं पता चलता है। ठीक है, तो अभी आपने याद है आपने मुझे कहा था कि आपको एक पोटली चाहिए क्योंकि दिवाली आ रही है। हाँ ठीक है, तो मैंने ये आपके लिए आपकी रिक्वेस्ट पे ये पोटली, धन पोटली बनाई है जी। इसको आपको क्या करना है, आपको धनतेरस के दिन आप पूजा जरूर करोगे जी, धनतेरस के दिन आप पूजा कीजिए और ये पोटली को पूजा में रखिएगा। हाँ। सेम चीज आप जब छोटी दिवाली को पूजा करोगे तो फिर वापस से इसकी पूजा करिएगा। ओके। और दिवाली के दिन आप फिर से इसकी पूजा करोगे तो इस पोटली में मैंने एक छोटी सी चीज डाली है जिसको बोलते हैं, एक चाबी डाली है मैंने। ओके ठीक है, तो ये जो चाबी है, लास्ट दिन आप ये चाबी निकालेंगे और इसकी भी आप पूजा करेंगे और फिर वापस से दिवाली वाले दिन मुझे चाबी निकाल के पूजा करनी है और फिर आपको ये पोटली रख देनी है अपने लॉकर में, तिजोरी में। ठीक है ना, आपको मंदिर में रखनी है तो मंदिर में रखिए, तिजोरी में रखिए तिजोरी में, और फिर आपको अगर दिवाली के दिन आप कोई विश करते हैं मेरा घर हो जाए तो वो विश इधर डाल दीजिएगा, अगर पूरी हो गई तो वो विश निकाल के उसको जला के कर सकते हैं और दूसरी विश डाल सकते हैं। अगले साल आप ये पोटली चेंज करेंगे दिवाली पे। ठीक है, है ना, इसमें मैंने काफी चीजें रखी हैं, जैसे ना ऑल द थिंग्स जिसकी वजह से आपका यंत्र है जी, गौरी शंकर रुद्राक्ष है, आपके गोमती चक्र है, वो सारी चीजें डाली हैं जिससे आपको बेनिफिट हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपकी दिवाली पोटली। थैंक यू सो मच। सो गाइस, मैं आज डॉक्टर गीतांजलि जी से मिली हूँ जिन्होंने मुझे ये पोटली दी है और ये मैं मतलब लाइक दिवाली पे पूजा करने के बाद मैं अपने तिजोरी में रखने वाली हूँ। और आपको भी मतलब ऐसी कोई रेमेडी चाहिए जैसे आपके, जैसे मेरे अभी दुविधा में हूँ मैं, तो आप भी अगर किसी दुविधा में हो तो आप डॉक्टर गीतांजलि से संपर्क कर सकते हैं। ये उनका नंबर है और ये आप मेंशन मैं कर रही हूँ यहाँ पे, ये उनकी आईडी है, तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।